Hey all, good morning. This is Sunday morning, friends. And अभी मैं बना रही हूँ नाश्ते में सैंडविच. तो आलू बॉईल करके मैंने रख लिए हैं और प्याज भी कट कर लिए हैं. ये सैंडविच मैं बिल्कुल सिंपल बनाने वाली हूँ. इसमें मेयोनीज और कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वैसा ही खाने के लिए बोल रहे हैं सब. सिंपल जो होती है सैंडविच. एंड पीछे मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं. इनमें कुकुम्बर और पपाया है. और लंच के लिए मैंने ये दाल सोख करके रखी है. सो ये गाइस मैंने आलू और जो है प्याज को कट किया है. आलू को हाथ से मैंने मैश कर लिया. अब इनमें मैं मसाले ऐड करूंगी. इसमें मैंने ये तीनों हर्ब्स मिलाए हैं जिसमें ये मिक्स हर्ब है और ये है पिज्ज़ा मिक्स और ये लास्ट में है पास्ता मिक्स. तो ये तीनों मैंने इसमें मिलाए हैं क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है सैंडविच का. और अब मैं नमक मिला रही हूँ इसमें और इसके बाद मैं मिर्च डालूँगी. और मैश कर लिया है मैंने ऐसे. यहाँ पर नोनी ने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है और मैं यहाँ पे कंटिन्यू सैंडविचेस बना रही हूँ. और यहाँ पे ब्रेकफास्ट लग गया है एंड सुखी बकी इसे इंजॉय भी करने लग गए हैं. दिस इज लंच टाइम. सो लंच की मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है और उधर नोनी जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत वॉइस आएगी उनकी पढ़ते टाइम. और मैं दिखा देती हूँ आपको लंच की प्रिपरेशन जो करी है मैंने. वो यहाँ पर मैंने तुरई कट कर ली है और टमाटर है, प्याज है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ये यहाँ पर चना डाल दिया है मैंने कुकर में और डायरेक्ट कुकर में बना रही हूँ. और जीरा डाल दिया है मैंने इसमें और अब मैं इसमें हींग डाल दूंगी. एंड अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ. इसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी. टमाटर डाल दिए हैं मैंने इसमें. और इसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी. और इसके बाद इसमें मैं चारों मसालों को ऐड कर दूंगी. ये तेज पत्ता डाला है अभी मैंने इसमें और अब मैं चारों मसालों को इसमें ऐड कर दूंगी जो कि नमक है इसमें और धनिया है, हल्दी है और लाल मिर्च है. ये लाल मिर्च डाली है मैंने और इसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ. अब धनिया डाल दूंगी मैं इसमें. ये चारों मसाले डाल के मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और दाल को इसमें डाल दिया है. अब मैं अकॉर्डिंगली पानी डालूंगी. आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं इसमें. और यहाँ पे मैंने तुरई की सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया है जिसमें मैंने जीरा डाल दिया है. और सिंपल बस चार मसालों से मैं ये सब्जी बनाऊँगी. इसमें मैंने हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक डाला है और इसमें मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि तुरई अपने आप ही पानी छोड़ देती है. और थोड़ा सा आज इसमें ऑयल ज़्यादा हो गया था. और यहाँ पे गाइस मैं आटा लगाना शुरू कर दिया है मैंने. और यहाँ पे मैंने लिया है मल्टीग्रेन आटा.
ये गेहूं का आटा नहीं है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिखेगा तो बता दूं मैं कि ये मल्टीग्रेन आटा है। और उधर मैं सब्जी भी संभाल रही हूँ और उस साइड दाल भी मेरी रेडी हो रही है, और यहाँ मैंने डो बनाना स्टार्ट कर दिया है, और डो बनाने के बाद मैं रोटियाँ बनाना भी स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे खाना बनके रेडी हो चुका है। ये सब्जी है, ये दाल है और राइस है, और इसके अलावा रोटी है। राइस मैंने पहले ही उबाल लिए थे, बना लिए थे मैंने, और ये यहाँ पे मैंने सर्व भी कर दिया है। एवरीवन, ये है इवनिंग का टाइम और अब मैं बनाऊँगी इवनिंग टी। तो 3:30-4:15 बज गए हैं। अब मैं थोड़ी देर सो गई थी लंच बनाने के बाद में, अब उठी हूँ और अब चाय बनाऊँगी। उसके बाद जाएंगे सुखी बक्की के प्रोजेक्ट का सामान लेने के लिए। इनके स्कूल में इनको फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए दिया गया है, तो मुझे 2 फर्स्ट एड बॉक्स बनाने हैं, तो अकॉर्डिंगली मैं उनके सामान लाऊँगी। तो पहले मैं चाय बनाती हूँ। चलिए गाइस, अभी मैं सुखी बक्की का दूध और हमारे लिए चाय एक साथ बना रही हूँ। और यहाँ पे बच्चों का दूध और हमारी चाय रेडी हो गई है, और ये लेके मैं ऊपर आ गई हूँ। कि गैस ख़त्म हो गई हमारी, और अभी सिलेंडर रात को आएगा नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि लंच में ही आराम से खाना बना लिया था, उसका डिनर भी कर लेंगे हम। और अभी हम जा रहे हैं इंडक्शन लेने। इंडक्शन मेरे पास पड़ा था बट वो दोनों ही ख़राब हो गए वो, और बार बार ठीक कराने से अच्छा है कि मैं एक ले लूँ दूसरा। तो अभी जा रहे हैं हम इंडक्शन लेने के लिए। सो सो गाइज, इंडक्शन तो मैं ले आई थी, बट इंडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि कौन सा लाई हूँ और क्या प्राइस है। ऑल अबाउट इंडक्शन तो अभी नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।